हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं हर साइज के लिए, यानी कि जैसे कि हम ब्लाउज सिलते हैं, जो भी साइज के ब्लाउज सिलते हैं, जैसे कि 28 से लेके 55 तक जो भी हम ब्लाउज सिलते हैं, चेस्ट हमारे 28 से लेके 55 तक हम जो भी ब्लाउज सिलते हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग हम स्लीव की परफेक्ट स्लीव की कटिंग कैसे करें। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी ब्लाउज की कटिंग किया है, जो भी साइज का ब्लाउज का कटिंग किया है, तो उसका आप बैक पार्ट ले लीजिए या फ्रंट पार्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है, तो इसे हम इस तरह से नापेंगे। जो हमारा आर्मोल की हम कटिंग करते हैं, तो जब भी हम चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आर्मोल की कटिंग करते हैं, और 1.5 इंच हम या 2 इंच हम मार्जिन ज़्यादा लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्मोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करते। तो देखिए, पहले हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे, तो हम इस तरह से क्रॉस में नापेंगे इसे, तो ये आता है हमारा, देखिए यहाँ कॉर्नर तक 8 इंच तक आता है। आपका जो भी आएगा नाप, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ये 8 इंच लेंगे हम। तो जैसे ये 8 इंच आया, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे। आपका जो भी आएगा 9 इंच 10 इंच आएगा, तो उसमें आप आधा इंच प्लस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है, तो देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड भी लिया है। तो यहाँ से हम ये बन साइड है, तो बन साइड से हम यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे, और यहाँ से हमने जो आर्मोल को नाप निकाला था, उसकी चौड़ाई हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ से हम नाप लेंगे जितनी चौड़ाई आई थी, जैसे कि हमारी आई थी 8 इंच, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, तो 8.5 इंच हुआ हमारा यहाँ पे। अब हम यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे, तो स्लीव की लेंथ लेंगे हम 5 इंच, और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये 1.5 इंच तक आया है हमारा, मतलब यानी कि 6.5 इंच आया। तो देखिए यहाँ से, और 5 इंच हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी, तो आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में जाएगा, और 1 इंच हमारे यहाँ फोल्ड में जाएंगे, जैसे कि हम पट्टी हम यहाँ पर फोल्ड करते, तो हमारा समझो बगैर अस्तर का ब्लाउज हो, जैसे कि हम ब्लाउज का अस्तर नहीं लगाएंगे, तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। अस्तर वाला ब्लाउज होगा, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो 1 इंच हमारा अस्तर वाला ब्लाउज में आधा इंच इधर जाएगा, और आधा इंच नीचे फोल्ड में जाएगा। बगैर अस्तर का होगा, तो हम इसी पट्टी को डबल फोल्ड करते हैं, नीचे के बॉटम की तरफ डबल फोल्ड करते हैं, इसलिए 1 इंच हमारे यहाँ नीचे जाएगा, और आधा इंच हमारे यहाँ मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी स्लीव की लेंथ लेंगे 5 इंच, और 1.5 इंच हमारी यहाँ हमारी फिटिंग में, यानी कि सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हम यहाँ से जितना हमने ऊपर की ओर लिया था 8 इंच, और उसमें आधा इंच प्लस 8.5 इंच, तो इसको हम सर सीधी लाइन दे देंगे। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड से हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, तो ये हमारी कैप हाइट रहेंगे। कैप हाइट हमारी, जैसे कि स्लीव की लेंथ अगर आपकी 6 इंच तक हो, जो ये अभी तैयार हमारी 5 इंच है, अगर 6 इंच आपकी तैयार स्लीव की लेंथ रहेगी, तो आप कैप हाइट 3 इंच तक ले सकते हैं। अगर आपकी स्लीव की लेंथ उससे कम हो, तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैप हाइट ली 3 इंच की। आप यहाँ से 1 इंच लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे, तो 1 इंच हमारा हर स्लीव में यहाँ से 1 इंच रहेगा, और 1 इंच यहाँ से हम अंदर की ओर लेंगे, जहाँ से हमने कैप हाइट ली, तो वहाँ से हम 1 इंच इस तरह से एक सीधी लाइन देंगे। तो 1 इंच हमने यहाँ से एक सीधी लाइन दी, और 1 इंच यहाँ से लिया हमने। अब हम इसको इस तरह से शेप देंगे, तो ये हमारा पहला बैक आर्मोल का शेप आएगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से बैक आर्मोल का शेप देंगे पहले। अब इसके बीच हमें 1 इंच का गैप रखते हुए फ्रंट आर्मोल का शेप देना है, तो यहीं से हमें इस तरह से ले जाते हुए इसे यहाँ मिला देंगे हम। तो देखिए यहाँ से हमने ये शेप दिया, और यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम स्लीव का बॉटम लेंगे। आपका जितना भी बॉटम होगा, जैसे कि 5.5 5.5 जितना भी होगा, उतना आप
यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लूँगी 6.5 इंच और 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और इन्हें इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से मिला दिया। तो देखिए हमने यहाँ से चौड़ाई इस तरह से ली कि जैसे हमने ब्लाउज के यहाँ पे ब्लाउज जो भी हमने कट किया उसको हमने यहाँ से क्रॉस में नापा, तो जितना आया उसमें हमने 1/2 इंच प्लस किया तो उसकी हमने इतनी चौड़ाई ली। तो जो यहाँ पे आया था 8 इंच उसमें हमने 1/2 इंच प्लस किया 8.5 इंच, तो दोनों साइड से हमने उतनी चौड़ाई ली। और इसकी जितनी लेंथ है, तो अगर आपका बगैर अस्तर का होगा तो 1.5 इंच मिलेंगे, अस्तर वाला होगा तो 1 इंच मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बगैर अस्तर वाला लिया तो मैंने 1.5 इंच प्लस किया और यहाँ से ऊपर से मैंने 3 इंच इसकी कैप हाइट ली। इस साइड से 1 इंच लिया और इस साइड से 1 इंच लिया। यहाँ से हमने बैक नॉर्मल का शेप दिया और यहाँ से नीचे से फ्रंट आर्मल का शेप दिया। अब इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ से हमने बॉटम जितना है उतना लिया, उसमें 1 इंच प्लस किया। तो हम यहाँ से इसे पहले कट कर लेंगे। एक इंच हम इसे सीधा ही कट करेंगे इसे। तो हमने बैक नॉर्मल को यहाँ से कट कर लिया। अब एक पल्ला उठाते हुए इस तरह से इसे सीधा करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट नॉर्मल की कटिंग करें। तो देखिए हमारे यहाँ से इस तरह से स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ से हम स्लीव की चौड़ाई लेंगे, जितना अपना आर्मोल नापो उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे, बगैर अस्तर का होगा तो 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से स्लीव की लेंथ लेंगे हम, यहाँ से बॉटम लेंगे उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और कैप हाइट लेंगे हम 3 इंच। तो जितने हम 5-6 इंच तक हम 3 इंच लेंगे, 6 इंच से आगे जितना होगा उससे हम थोड़ा 3.25 इंच ले सकते हैं। अगर 5-5 इंच से अगर आपकी स्लीव की लेंथ 5 इंच से कम हो तो आप इसमें 2.5 इंच कैप हाइट ले सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे स्लीव की कटिंग की है। इस तरह से आप स्लीव की कटिंग करें तो आपकी स्लीव परफेक्ट बैठेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग स्लीव की कटिंग की थी। तो देखिए इस तरह से यहाँ हमने स्लीव की कटिंग की। ये हमारा फ्रंट आर्मल में इस तरह से जॉइंट होगा। तो जब आप जब भी आप इसे जॉइंट करेंगे तो पहले आपका यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेना, बाद में स्लीव को इसे अटैच कर सकते हैं। तो जो सेंटर है जहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट किया, तो वहाँ हम सेंटर पे इसे रखेंगे इस तरह से और फ्रंट आर्मल में फ्रंट आर्मल को इस तरह से जॉइंट करेंगे और बैक आर्मल में इसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।